हेलो बच्चों, प्लेसमेंट्स इन इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजकीय आईटीआई पांडुरंग कानपुर में डेंसो क्राफ्टिंग एंड कोर कंपनी आ रही है। कंपनी आपको लगभग 20,085 रुपये सीटीसी 8 घंटे का देने वाली है। इस कंपनी में मेल फीमेल दोनों ही प्रतिभा कर सकते हैं। 17 मई 2024 को ये कंपनी राजकीय आईटीआई के परिसर में आने वाली है। जो बच्चे इस कंपनी में प्रतिभा करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो सारे बच्चे उस गूगल फॉर्म को जरूर भरेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जो बच्चे इस कंपनी में प्रतिभाग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, वो बच्चे पहले गूगल फॉर्म भरेंगे फिर आएंगे। तो आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ गूगल फॉर्म दिया है कंपनी डेंसो कंपनी का, उसमें सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स को आपको सही सही भरना होगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा कंपनी का, आपको उसी जो आपने डिटेल दिया है उस पर कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी क्या क्या बनाती है। हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आने वाली डेंसो कंपनी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो आगे पढ़ाई करें, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि डेंसो कंपनी आपको पढ़ाई भी करवाएगी और साथ ही साथ पैसे भी देगी। मतलब यहाँ पर अर्न और लर्न का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो कंपनी ने ट्रेड मांगी है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन और कोपा के लड़के और लड़कियां दोनों ही प्रतिभा कर सकते हैं। मैं कोपा में बताना चाहूंगा, कोपा ट्रेड में सिर्फ गर्ल्स आएंगी और बाकी सब ट्रेड मैंने जो बताया है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इन सब में लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं, लेकिन कोपा में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आएंगी। डेंसो कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये कंपनी मानेसर गुड़गांव में है, हाँ, सेक्टर 3 में है। तो सर लोग भी उसी कंपनी से आए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी आपको 3 से 4 साल अपने यहाँ रखेगी और आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन कराएगी। तो बच्चे जो 1-2 साल में छोड़ के चले आएंगे, उनको भी कंपनी, जैसे 1 साल अगर आप काम करते हैं वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप वहां 2 साल काम करते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप वहां पर 3 साल काम करते हैं तो आपको ऑटोमोबाइल का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका एक डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री से आप इक्विवेलेंट टू बी रहेगा, हमारा बैचलर इंजीनियरिंग रहेगा, उससे आप किसी भी कंपनी में अच्छे पोस्ट पद पे जा सकते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो डेंसो कंपनी भी आपको अंदर हायर करेगी। मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी भी काफी आकर्षक है, यहाँ पे लगभग 20,000+ ही आपको सीटीसी मिल रहा है। पढ़ने का खर्चा कंपनी उठा रही है, तो आपकी सैलरी में से ही कुछ पैसा जो है वो हल्का सा डिटेक्ट करेगी, उसको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कितना पैसा कंपनी आपका डिटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस कंपनी में अपेयरिंग, जो बच्चे अभी हाल में ही फाइनल ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अपेयरिंग वाले बच्चे भी प्रतिभा कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं, फिटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, वायरमैन और कोपा से हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। कोपा में सिर्फ लड़कियां हैं, मैं फिर से बता दूं आपको, कोपा ट्रेड में सिर्फ गर्ल्स आ सकती हैं, बाकी सब सारी ट्रेड्स में लड़के और लड़कियां दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों को ही चांस मिलने वाला है। जो बच्चे फाइनल ईयर के पेपर देने जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ एग्जाम होगा, वो बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। उनके लिए भी काफी सुनहरा अवसर है कि कंपनी अपेयरिंग वाले बच्चों को मौका देने वाली है। जो बच्चे जस्ट अभी पेपर देने जा रहे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे, इनका 1 साल है, क्योंकि तो इलेक्ट्रीशियन 2 साल का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 साल का, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन लगभग सब 2 साल के ही है, तो सबको मौका मिलने वाला है। जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ प्रतिभाग करें। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लड़कियां इस कंपनी में प्रतिभाग करें। लड़के तो करेंगे ही, वो तो आते ही हैं, लड़कियां प्रतिभाग करें, क्योंकि ऐसी कंपनी बार बार नहीं मिलती है। जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं अपने अलग अलग ट्रेड से, तो वो बच्चे भी आगे पढ़ाई करने के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार आपको आगे कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कंपनी की ओर, की डिटेल्स क्या है इनके, और एचआर सारे आए हुए हैं, ये आपको उसी टाइम मिलेंगे कंपनी में। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। कि आपने सुना, डेंसो कंपनी 17 मई 2024 को सुबह 10 बजे राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर के परिसर में आने वाली है। ये कंपनी मैंने बताया आपको कि वी वोकेशनल प्रोग्राम के तहत आपको यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री देने वाली है। इस कंपनी में फिटर, इलेक्ट्रिशियन,
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, कोपा, इसमें जो मैंने ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन बताया है, इस कंपनी में लड़के और लड़कियां दोनों प्रतिभाग कर सकते हैं और कोपा में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आएंगी, लड़के नहीं। मैं बता दूं आपको कि कंपनी जो है अपेयरिंग वाले बच्चों को भी चांस दे रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, कंपनी में अपेयरिंग वाले बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। जो बच्चे अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सारे बच्चों को भी कंपनी मौका देने वाली है। कंपनी में मैं सैलरी बता दूं, सैलरी आपका 2000 लगभग आपका 20,000 सैलरी रहेगी, 20,085 रुपये, तो ये आपका सैलरी रहेगा। एनुअली आप देख पा रहे हैं 2,41,020 रुपये। साथ ही साथ आपको जो टोटल CTC मिलेगा ईयरली वो आपका है 2,82,084 रुपये। कुछ डिडक्शन भी होंगे क्योंकि आपको पढ़ाई भी कंपनी करा रही है, तो आपका यूनिवर्सिटी फीस है वो 3,000 रुपये कटेगा, लगभग 36,000 रुपये आपका वहाँ से कट रहा है। कैंटीन का भी फैसिलिटी कंपनी दे रही है आपको, उसका 4,800 रुपये आपका एनुअली कट रहा है, 400 रुपये पर मंथ कटेगा, तो टोटल आपका 3,400 रुपये कंपनी पर मंथ काटेगी। तो कुल मिला के जो इन हैंड आपकी सैलरी आ रही है वो आपका 16,685 रुपये कंपनी आपको देने वाली है। तो ये सैलरी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। कंपनी जो सुविधाएं आपको दे रही है वो जूते हैं, साथ ही साथ ड्रेस भी देगी, परिवहन सुविधा है, आने जाने के लिए कंपनी का वाहन भी है, बस की सुविधा रहती है, मेडिकल इंश्योरेंस, चिकित्सा सुविधा भी कंपनी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ बीमारी हो गई तो मेडिकल की फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ भोजन पे भी सब्सिडी दे रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 400 रुपये पर मंथ ले रही है, तो 400 रुपये पर मंथ बहुत कम होता है ना, इसमें आपका वेज वाले बच्चे और नॉन वेज वाले बच्चे सबका अलग अलग भोजन बनेगा, सबका अलग अलग कैंटीन भी है। जो बच्चे वेजिटेरियन है उनका कैंटीन अलग है, नॉन वेजिटेरियन कैंटीन अलग है, तो वेज और नॉन वेज दोनों भोजन का विकल्प है। रहने की व्यवस्था बच्चे को ही करना होगा। मैं बता दूं कंपनी में जब आप जाएंगे तो कंपनी के जो HRs होंगे आपको आसपास कहीं पे भी रूम की सुविधा करवा देंगे, तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका प्रोसेस है वो मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं, और कैंडिडेट ने 12वीं पास किया हो, हाई स्कूल नहीं चलेगा, 12वीं प्लस ITI होना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे पास आउट है वो 2023 और 24 के पास आउट होने चाहिए। अपेयरिंग वाले बच्चे तो सारे आ सकते हैं, मैं बता दूं फिर से आपको, अपेयरिंग वाले बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे बच्चे आ सकते हैं। लेकिन अगर वो पास आउट हैं तो 2023 के पास आउट हैं, मतलब 21 में अगर एडमिशन लेंगे तो 22-23 में पास आउट होंगे, और 24 के पास आउट हैं तो वो बच्चे ही प्रतिभाग कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे है, 18 से 23 साल तक के बच्चे ही प्रतिभाग कर सकते हैं, 23 साल से ऊपर वाले बच्चे अभी प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। कंपनी देखिए इंडियन कस्टमर इनके जो हैं, जिस इस कंपनी के, मारुति सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, टाटा मोटर है, हीरो है, यामाहा है, होंडा है, इस प्रकार से अशोक लीलैंड, जॉन, हाँ ये सारे टू व्हीलर हैं। इसका इनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं देखिए, वाइपर मोटर, अल्टरनेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेडिएटर, HVAC, और इसके बाद आपका इंजेक्टर, मतलब बहुत सारे सेंसर्स का निर्माण भी, फ्यूल पंप का निर्माण भी कंपनी कर रही है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो बच्चे 17 मई 2024 को राजकीय ITI में सुबह 10 बजे प्रतिभाग करेंगे। मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, कोपा, इस सारी ट्रेड के लड़के लड़कियां दोनों प्रतिभाग कर सकते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दिया है कि आपका 20,085 रुपये सैलरी रहेगा CTC, और जब पढ़ाई का और कंटीन का आप दे देंगे तो आपको लगभग इन हैंड 8 घंटे का 16,685 रुपये मिलेगा। ये 8 घंटे की सैलरी है 16,685, जब आप अभी फीस और खाने का दे रहे हैं, रहने के लिए आपको अपना करना होगा, रहने की व्यवस्था भी आपका लगभग हो जाता है 1-2 हज़ार रुपये में, अगर आप शेयरिंग रूम लेंगे तो आपका वहाँ व्यवस्था कंपनी करा देगी, और परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सारी सुविधाएं आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो काफ़ी अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं। तो डेट याद कर लीजिए, 17 मई 2024 को आपको सुबह 10 बजे गवर्नमेंट ITI
पांडुर का कानपुर माना होगा। जो बच्चे कानपुर के बाहर के जिले के हैं वो बच्चे भी प्रतिभा कर सकते हैं, जो यूपी के बाहर के राज्य के हैं वो सारे बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आप कानपुर में आना चाहते हैं कैंपस के लिए तो सबसे पहले आपको कानपुर सेंट्रल आना होगा। कानपुर सेंट्रल से आप जेके मंदिर पूछिएगा, जेके मंदिर के जस्ट बगल में राजकीय आईटीआई पांडुर का कानपुर का परिसर है, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए, मैं इसी प्रकार आपको और वीडियो भी देता रहूँगा आगे। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।